तो जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से हम राहुल को जीतेंगे। ताला किसने कहा था? राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? नहीं खुलवाया था। आप कभी हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार के घाट में सुनहरे अक्षरों में लिखा है इस घाट का निर्माण राजीव गांधी के फंड से करवाया गया था, ना कि प्रधानमंत्री फंड से। अरे मैडम वो तो कोर्ट का फैसला है। रूबिकवा कहे नहीं बताती है, अंजनवा कहे नहीं बताती है, सुधीर तेहड़िया कहे नहीं बताता है, मिस देवगनवा कहे नहीं बताता है। बताइए भैया कहे नहीं बताता, बताना चाहिए ना। कोई बोल दुई दुई डिग्री है भैया, ऐसा महामानव पैदा हो गया, आदिमानव पैदा हो गया जिसकी 78 में ही दुई दुई डिग्री आ गई। तो मैडम 78 में आती थी ऐसे कंप्यूटर वाली डिग्री आती थी? आप बताइए, बताइए कंप्यूटर वाली डिग्री होती थी? हैं, ये वाला पॉइंट 1992 में आया है। 1992 मोदी जी, आप बताइए डिग्री कहाँ से आ गई आपके पास? ये कंप्यूटर गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। मैडम ये अनपढ़ों की और निकम्मों की जमात बैठ गई है। कैसे कह सकते हैं आप मोदी जी को? अमित शाह जी खुद डिग्री दिखा रहे हैं, आप अनपढ़ कह रहे हैं। अमित शाह की डिग्री मैडम आज मैं लेके ही आया हूँ। डिग्री लेकर आए आप? भैया ये डिग्री देख लो इनकी, डिग्री लेकर आए अपने साथ? वही डिग्री है जो डिग्री आज तक छपी नहीं 1978 में। 1978 में एक महामानव पैदा हो गया जिसकी डिग्री कंप्यूटर से निकली। एक एक डिग्री कह रहे थे यहाँ, दुई दुई डिग्री है भैया। ऐसा महामानव पैदा हो गया, आदिमानव पैदा हो गया जिसकी 78 में ही दुई दुई डिग्री आ गई। अरे मैडम 78 में आती थी ऐसे कंप्यूटर वाली डिग्री आती थी? आप बताइए, बताइए कंप्यूटर वाली डिग्री होती थी? हैं, ये वाला फॉन्ट 1992 में आया है। 1992 मोदी जी, आप बताइए डिग्री कहाँ से आ गई आपके पास? ये कंप्यूटर वाली डिग्री कहाँ से निकलती है आपके पास, बताइए? अरे जो पीछे की डिग्री है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की, आप ये देखें ना। अरे मैडम हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय है मोदी जी। आप कहते हो ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप ये बता दीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? अगर मोदी जी में हिम्मत है या उनके अंधभक्तों में हिम्मत है तो जरूर बताएंगे कि यह विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। है मैडम, अगर आप भी बीजेपी की पत्रकार नहीं होंगी तो आप बता दोगे दिल्ली विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कांग्रेस सरकार ने। हे भैया आज कांग्रेस को सलाम है और कांग्रेस की पत्रकार मतलब पत्रकार को रूबिकवा कहे नहीं बताती है, अंजनवा कहे नहीं बताती है, सुधीर तेहड़िया कहे नहीं बताता है, मिस देवगनवा कहे नहीं बताता है। बताइए भैया कहे नहीं बताते हो, बताना चाहिए ना। कोई बोलने तो कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के टाइम में बनाना ये तो मैंने बोला। मोदी जी ने कोई 5 विश्वविद्यालय बनाए हो बता दो। एम्स बना रहे हैं, गूगल पे सर्च करें। ए मैडम, भाइयों बहनों मित्रों, 21 एम्स कहाँ कहाँ बनाए? मुझे गूगल, अच्छा गूगल किसका है मैडम एक चीज बताने के बारे? गूगल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। कैसे कह सकते? अभी आप गूगल अमेरिका का है ना, अमेरिका में दोस्ती सबसे ज्यादा किसकी है? मोदिया तो भैया एक वो होता नहीं कि पनौती है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला ना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। अब नेपाल में गया वहाँ के प्रधानमंत्री से मिला हार गया, श्रीलंका गया वहाँ पे मिला वहाँ भी चुनाव हार गया। है भैया मोदी जी कर्नाटक भी नहीं गए ना, जाएंगे अमित शाह गए, अमित शाह भी किस्मत वाले हैं मोदी जी, जहाँ भी पैर रखते हैं चुनाव जीत जाते हैं। तहां तहां पनौती फैल जाती है मैडम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2-3 देशों का नाम गिनवा दिया है और 24 में देखना मोदी जी यहाँ भी मटिया मिट। मोदी जी प्रचार करने गुजरात गए, गुजरात जीत गए, जहाँ यूपी गए, यूपी जीत गए, जहाँ जहाँ जाते हैं जीत जाते हैं। और जहाँ हार जाते हैं वहाँ का कह नहीं बताते हो? वहाँ क्या नाम है उसका, हिमाचल में? भैया बहनो मित्रो, वहाँ कहे हार गए? वहाँ कहे हार गए बताओ मैडम, जहाँ के हारते हैं वहाँ की मीडिया नहीं दिखाती है। देखते हैं लग रहा है मोदी जी। हे भैया हाँ सही बात है, मोदी जी आजकल मूवी ज्यादा देखते हैं। अनुराग ओझा आपसे पूछा, आप मूवी ज्यादा देखते हैं, एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं? मैडम मैं देख क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छी कर रहे हैं ना मोदी जी से तो कम बढ़िया कर पाता, मोदी जैसा एक्टिंग मुझे करना है भाई, मोदी जैसा कोई नहीं कर पाएगा। 18 घंटे काम करते हैं ये भैया, एक्टिंग नहीं तो और क्या थी कि फोटो खिंचवाने का ये लुक। हे भैया शर्ट की बटन बंद कर रहे हैं, अरे महाराज कैमरा वाले वहाँ पहुँच के तुरंत फोटो खींचने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री है तो इतना तो बनेगा ना, कैमरा मैन आगे तो आगे पीछे तो चलेंगे ना, आगे पीछे चलेंगे। बुलाते थोड़ी कोई भी, बुलाते थोड़ी ना। आप लोग तो नहीं चले गए? आप कहीं नहीं चले गए? गुजरात थे ना हम मोदी जी के साथ में, रैली में थे ना, रैली में थे ना, कि आप क्यों नहीं गए? तो हम गुजरात, जब गुजरात चुनाव था तो हम वहीं थे मैडम, रैलियों में थे। अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी के जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जलील भक्त हैं, उनसे भी आपने कभी पूछा या आपके चैनल पे कभी वीडियो पड़ी ऐसे कि मोदी जी ने रोजगार क्यों नहीं दिया, मोदी जी ने महंगाई पे बात की? अरे 2014 से पहले भैया जिनके पास हर समस्या का हल हुआ करता था, देश की सबसे बड़ी समस्या वही बन गया, ऐसे कहता था। भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों की कमर टूटती जा रही है और मौजूदा सरकार से महंगाई का मां निकलने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, हाँ मैंने कसम ये खाई है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे महाराज हमें तो बाद में पता चला कि मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद देश को बेचूंगा। ये तो मैडम बाद में हमको पता चला। विश्व गुरु तो बना रहे ना, विश्व गुरु भैया कैसे बन गया? विश्व गुरु की परिभाषा बताओ, जानते हो विश्व गुरु की परिभाषा? खुद कहते हैं ना कि विश्व गुरु बन रहा है भारत, और देखा मोदी जी ने तो खुद कहा था मैं अनपढ़ हूँ, मोदी जी ने खुद कहा मैं भीख मांगता था, मोदी जी ने खुद कहा मैं ट्रेन में चाय बेचता था, मोदी जी ने खुद कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो निकम्मा था। अब आप मानते हो ना वो सारी बात? मानते मोदी जी तो ये भी कहते ना कि मैं फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ मैडम, इसीलिए हम अपना थैला नहीं लाते हैं भैया।
कि कभी ये हमको ये ना कह दें कि मोदी वाला थैला है और तुम भी उठाओगे चले जाओगे। हमने तो थैला ही रख दिया है मोदी जी, आप भी अपना थैला रख दो। नहीं 24 में तो जाने वाले हैं ना, हे मोदी जी आपको एक जोड़ी कुर्ता दे देंगे विदेश में ना, नीरव मोदी के साथ पहन के नाचना बढ़िया से। कैसी बात कर रहे, गमछा ओढ़े राम राम लिखा है और इतना मतलब... ये भारतीय जनता पार्टी का राम राम है? भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कब हुआ? जो राम को लाए हम उनको लाए। ये मैडम ये अंधभक्त और गोबर भक्त का नारा है ना मैडम, आप अंधभक्त हो ना ही गोबर भक्त हो, आप भारतीय जनता लाएंगे। तो जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से हम राहुल को जिताएंगे। ताला किसने कहां का खुलवा दिया? राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? नहीं खुलवाया था। आप कभी हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार के घाट पे सुनहरे अक्षरों में लिखा है इस घाट का निर्माण राजीव गांधी के फंड से करवाया गया था, ना कि प्रधानमंत्री फंड से। अरे मैडम वो तो कोर्ट का फैसला है। 2024 तक आप राम मंदिर जाके दर्शन कर लेंगे, बन जाएगा। भैया आज कहे नहीं करवा रहे, 24 में चुनाव है इसलिए वहाँ पे भी रोटियां से जाएंगे ना। मैडम मैं तो जाऊंगा, मैं तो अयोध्या से आया, तो मैं क्या राम को लाए उनको लाएंगे ना। राम को कौन लेके, भारतीय जनता पार्टी वाले राम को ले रहे? अरे बेशर्मो, इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत उनमें हो गई कि वो राम को ले आएंगे? अरे राम को दशरथ लेके आए थे, रामचरित मानस कहता राम, वहाँ तो नहीं लिखा कि मोदी लेके आए थे, फलाना लेके आए थे। अब यूपी चुनाव था, देखे नहीं कितना नारा लग रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैडम देखिए, जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे और 24 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्यों लाने की बात कर रहे हैं, और भी तो नेता। क्योंकि मैडम जितना विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का विकास गिनवा दो। मैं कह तो रहा हूँ विकास मुझे गिनवा दो, मैं मोदी जी वाला अगर मैं सुनी ए भैया किसी ने यम्स बना दिया और ढिंढोरा नहीं पीटा। अरे एक चीज मैडम बताइए, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे जब खाओगे नहीं खाने नहीं दोगे तुम्हारा तुम्हारे शौचालय का काम है? क्या काम है मैडम? भ्रष्टाचार के लिए बोले, भ्रष्टाचार। अच्छा भ्रष्टाचार खर के, हाँ ये बात सही, ये इस पत्रकार को भैया सलाम है। भ्रष्टाचार करेंगे पेट में गड़गड़ घोड़ोगे तो भैया जाना ही पड़ेगा ना शौचालय, ये बात सही है। भ्रष्टाचारियों के लिए शौचालय, हमारे लिए तो नहीं है ना। और भी तो पॉलिटिशियन है, और भी तो नेता है, तो केवल आप राहुल गांधी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी, मैडम देखिए नीतीश कुमार है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो 543 सांसद हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन जिसमें काबिलियत होती है, जिनके पूर्वजों ने देश को बनाया। राहुल गांधी में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि आप राहुल गांधी कह रहे हैं? मोदी जी की 5 काबिलियत गिनवा दो, मैं राहुल गांधी के 50 काबिलियत गिनवा दूंगा। 56 इंच की छाती है पाकिस्तान, नाप के आई थी आप? मोदी जी कहते मैडम आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो या मैं क्या, मैं पूछ रहा हूँ आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो या टेलर हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने नापा है? मोदी जी तो कहते मेरा 50 इंच का जी छीना है, तो आप मान जाओगे? मानना पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री हैं, आप तो नहीं नापे हो ना। मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो कहता हूँ उसका 2 इंच का भी नहीं है। अगर 56 इंच का सीना होता, अगर 56 इंच का सीना होता तो विपक्षी नेताओं पे कभी ईडी सीबीआई ने बैठा था? जवाब देता हूँ, राहुल गांधी ही क्यों है? राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री, क्योंकि मैडम देखिए उनके जब पिताजी प्रधानमंत्री थे देश के लिए क्या क्या किया, जब उनके इंदिरा गांधी जी थी देश के लिए कितना काम किया। एक चीज बताइए, जब यहाँ पे वो क्या नाम इनका जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने देश के लिए क्या किया? अरे मैडम कांग्रेस का पढ़िए ना, कांग्रेस ने क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी ने, जितना कांग्रेस ने किया है मोदी जी ने सब। महंगाई बढ़ी तो नेहरू जिम्मेदार। हाँ वो कुमार विश्वास ने एक बात बोली थी ना कि बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर नेहरू जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीतियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। अरे जवाब है तो दीजिए ना, जवाब इनके पास होता है नेहरू जिम्मेदार है। हे भैया अब महंगाई बढ़ रही है 2014 के बाद, तो नेहरू जिम्मेदार है। युवा यहाँ पे डेली आत्महत्या कर रहा है, तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। भारत मजबूर हाथों में है, मजबूत हाथों में एक समय पे सुरक्षित, कैसे सुरक्षित? भारत अगर सुरक्षित होता, भारत तो सुरक्षित है ही मैडम, क्योंकि वो सेना की बदौलत। लेकिन भारतीय जनता में बैठे हुए लोग जो हैं वो भारत को सुरक्षित नहीं रहना देना चाहते, क्योंकि अगर भारत सुरक्षित होता मैडम तो 40 जवान जो हमारी शहादत वहाँ पे दे दिए, उनके विषय में सत्यपाल मलिक जी ने बोला ईडी और सीबीआई बैठा दिया। सवाल तो सत्यपाल मलिक पे भी उठ रहा है, क्या वो सच कह रहे हैं? झूठ कह रहे हैं आप, झूठ लग रहा है आपको, झूठ लग। देखा नहीं एक बार अमित शाह जी के लिए कहा था तो वो बात गलत थी, ये बात सौ। अच्छा आपको 140 जवान हमारे शहीद हुए थे या नहीं? 40 हुए थे नहीं? 300 किलो आरडीएस घूमता रहा, उस पे कहे जांच पड़ताल नहीं हुई? जांच हो रही है ना, कब होगी? अगले साल हो रही है और होगी, दोनों में बहुत फर्क है। अबे ए भैया सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने नहीं किया था, सेना ने किया था। अभी मुझसे कुछ स्लिप और टंग हो जाए ना, ईडी सीबीआई तुरंत घर पे पहुंच जाएगी, घर को भूपा मतलब घर को रसातल में भेज देंगे, वो उनके बस की काम है। पहले उनको कह दिया गया जी चुप, आप भी चुप रहे थे, फिर काहे चुप रहे जी? अब तो आजाद हो गए ना, कैसे? भारतीय जनता पार्टी में तो है ना आपके रहे आजाद हो। मैडम देखिए भारतीय जनता पार्टी में दो चीज होता है, एक गुलाम की रास्तों पे चलना, एक सच्चाई के रास्तों पे चलना। अगर सुबह का भूला शाम को लौटाए तो हम उसे भूला नहीं कहते, हम तो सत्यपाल मलिक की सारी गलतियां माफ कर देंगे। बस एक बार आप ऐसे ही अपने सवालों पे अड़े रहिए। सत्यपाल मलिक जी को मतलब सिक्योरिटी नहीं मिली इसलिए बोल रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई उनको उनकी जान को भी मैडम खतरा हो सकता है, ये भैया भाजपा वाले हैं, अतीक को मरवा सकते हैं, तो है सत्यपाल मलिक जी।